मैं हूँ मानी मलिक, आपका भाई, आपका दोस्त, आज एक नए व्लॉग के साथ। तो आज जो है तो शुरू करते हैं। मैं अभी जो हूँ, शाम का टाइम है, मैं फ्री हूँ, मैंने ऑफ लिया है और अभी मैं थोड़ी देर पहले लॉन्ड्री में अपने कपड़े देने गया था, लेकिन लॉन्ड्री बंद थी, मुझे उसकी टाइमिंग का नहीं पता था। और 5 बजे ओपन होनी है और अभी तकरीबन 4:45 हुए हैं। मैंने सोचा कि क्योंकि अभी मैं बाहर निकलूँगा तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा वापस आने पे, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ और इसी दौरान देखता हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ और इतने तक लॉन्ड्री ओपन होती है, मैं लॉन्ड्री में अपने कपड़े जमा कराता हूँ और फिर मैं आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने प्रिंट आउट कराना है, तो उस सिलसिले में मैं जा रहा हूँ। क्योंकि इस एरिया में, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे जो है कोई प्रिंटिंग वाली शॉप है या नहीं है। अभी एक साथ मदीना मॉल है, लेकिन मैं पहले वहाँ जाता रहता हूँ, वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई, तो दूसरी तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वहाँ पे उम्मीद है कि मिल जाएगी। जो है वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बाहर शोर था, क्योंकि वहाँ पे बाहर एक टैंकर आया हुआ था सेवरेज वाला और उसके शोर की वजह से मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई है। तो अभी जो है मैंने चाय ली है और डाइनिंग हॉल में आ गया हूँ और एक कप चाय आया है। तो क्योंकि सुबह जो है मैं जैसे ही वापस आया हूँ ड्यूटी से, तो मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं स्ट्रेट वे सो गया। तो अभी दोपहर का लंच तो मैं करता ही नहीं हूँ और उसमें शाम को ही खाना खाता था, लेकिन आज मेरा आँख है तो तरकीब क्या होगी मुझे कोई पता नहीं है। अभी चाय और एक समोसा साथ लिया है, वो खाता हूँ और उसके बाद आगे जो है देखेंगे कि किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाएंगे। जल्दी से शुरू करते हैं, एक कप चाय आय हाय। तो ये जनाब चाय है, चाय मैंने बाहर से ली है क्योंकि बाहर जो बंदे बना के ख़ुद लाते हैं ना, वो अच्छी बना के लाते हैं, नेचुरल तरीका होता है, लेकिन जो इधर मशीन में मिलती है उसकी एक चाय तो मीठा बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा वो बंदा पी नहीं सकता है। तो ये लोग बाहर सेल करते हैं तो उसमें अपने हिसाब से जो है वो इलायची वगैरह और मीठा भी अपने हिसाब से डालते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। और ये समोसा है जी, इसमें स्पेशल चटनी डाली गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं जो है नाश्ता ही है मेरा, ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम है पर मेरा नाश्ता है, तो मैं अभी चाय पीता हूँ। तो ये जो है सड़क है, बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे रनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है और फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन तो हो गई है इसकी कम्प्लीट, लेकिन इसको ओपन नहीं किया गया है। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, वाह क्या नज़ारा है जी सनसेट का, सूरज जो है अभी बादलों में और अभी तक टाइम है सूर्य ग़रूब होने में, लेकिन बड़ी ठंडी ठंडी शाम है जी और हवा में फुनकी है। हाय सॉरी, मैं मोटरसाइकिल के साथ टकने वाला था वीडियो बनाते, यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह तो जाते रहते हैं, सम टाइम इक्का दुक्का गाड़ी भी जाती है जो इधर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, काम चल रहे हैं। तो क्या है भैया, कैसे? ठीक है, अच्छा। तो अभी जो है ये एरिया आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, पीछे एक मैदान है वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं लोग शाम के टाइम भी और छुट्टी वाले दिन भी। आप देख सकते हैं कि दवाई मुझे डॉक्टर ने दे दी है, ये बस सुबह शाम खाने से ये पहले खानी है और ये खाने के बाद खानी है सुबह शाम। ये सिरप है कॉफ़ी वाला, मुझे इतनी खांसी नहीं है कफ वाला, लेकिन ये है कि मैंने कहा ले लेता हूँ, कभी कभी खांसी आ जाती है, मौसम जो है ना
वो आजकल ठीक नहीं है। और देखें ये सब कुछ फ्री में मिला क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस थी, अगर इंश्योरेंस ना होती तो इसकी प्राइस मैं दिखाता हूँ, अगर लिखी हुई है तो इसकी 32 दिरहम है, इसकी है जी 21 दिरहम, इसकी है 6 दिरहम, और ये भी होगा चलें अगर इसको 5 दिरहम भी कर लें, 32 20 कितना हो गया 62 63 और 69 यानी 70, तो ये तकरीबन ना करते भी पाकिस्तानी 3,000 से ऊपर ही पैसा था, लेकिन इंश्योरेंस थी तो फ्री में मिल गया, तो इंश्योरेंस बेस्ट है, इंश्योरेंस है तो आपको टेंशन नहीं है। तो जी व्यूअर्स मैं अभी शॉपिंग मॉल के पास हूँ, पहले जब मैं आया था इधर रहता था इस एरिया में तो एक साल पहले, तो यहाँ पे जो था ना ये माल उस टाइम बन रहा था, और आज मैं तकरीबन एक साल के बाद यहाँ पे आया हूँ तो माल देखें बन चुका है और बिल्कुल ऑपरेशनल हालत में है ना, तो अभी मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है कि ये आप देख सकते हैं, तो अभी जो है अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि माल अंदर, ये देख जी माल के एंट्रेंस है, तो माल के एंट्रेंस पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, शायद यहाँ वाईफाई फ्री है इसलिए लोग इधर बैठे हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लगता है ऐसा ही है मुझे, तो पहले मैं काउंटर पे अपना ये बैग जमा कराऊँगा। यहाँ पे जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा था यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, पठान ब्राइट रेस्टोरेंट, तो अभी जो है ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, रोशनी ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ, तो अभी जो है ये रेस्टोरेंट है जी, और यहाँ पे पाकिस्तानी टेस्ट होगा, ठीक है इंशाल्लाह मतम बड़ा पड़ा है, तो हम भी चलते हैं और खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रहा भाई साहब, टेबल खाली है, मसला नहीं है इतना, टेबल खाली है, यहाँ पे बैठते हैं, खाना भी आ गया है ये, और खाने में ये आप देख सकते हैं चपली कबाब है, रोटी है और सलाद, तो चलें जी खाना शुरू करते हैं फिर मिलते हैं खाने के बाद। यार जब मैंने खाना शुरू किया था तो मैंने देखा दो रोटियों का, एक हम अभी जो है एक रोटी भी मेरे से ख़त्म करना मुश्किल होगी और कबाब भी ख़त्म करना मुश्किल होगा, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना हुआ है, जायका बड़ा अच्छा है, कबाब यहाँ पे जो चपली कबाब है बड़ा लाइट है, तो अच्छा मेरे ख्याल से आए और खाएं खाना। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, मैं आपको शाम को जो दिखा रहा था, शाम को जो था आपको नजर आया, यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा एरिया है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, डेजर्ट है, और एक सड़क है अभी चहल पहल है, लोग यहाँ पे आगे वर्जिश कर रहे हैं और आगे लोग मैं देख रहा हूँ फुटबॉल खेल रहे हैं राउंड अबाउट में, तो
बाकी यहाँ पे इस टाइम थोड़ा ये ओपन एरिया होता है, अभी इस पर इतनी ट्रैफिक नहीं चल रही, लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, एनीवे मेरा वापसी का सफ़र जारी है और होपफुली इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मैं अपने रूम में आऊँगा।